हेलो दोस्तों, मैं हूं वरुण और मनी ऑनलाइन बी में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लॉग में कैसे आप अपने कुछ कंटेंट्स वगैरह डालते हो, किसी और साइट से उठाकर भी आप डाल सकते हो, उसका जो तरकीब है मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसमें आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। और एक ऑप्शन है जिसको मैं अगर बताऊँगा आपको, जो है इमेज को आपको डालना है। किसी भी इमेज को आप कैसे डालोगे विदाउट कॉपीराइट क्लेम ना आए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक वॉच कीजिए। ऐसे बहुत सारे कैसे टॉपिक्स टिप्स हैं जो मैं अपने ब्लॉग ट्यूटोरियल में अपलोड करने वाला हूँ, तो आप इस पूरे के पूरे ट्यूटोरियल को वॉच कीजिए। आप भी बहुत ही आसानी से और इसी तरीके से आप अपने खुद का एक वेबसाइट बना सकते हो। तो दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको सिंपली आपको ये लाल वाला बटन को क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और अगर आप किसी भी चैनल से जुड़े इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो इसमें वीडियो के नीचे भी आपको और एक ऑप्शन मिल जाता है सब्सक्राइब का। तो ठीक है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल से जुड़े एक फेसबुक फैन पेज भी है, तो आप यहाँ पर भी आकर अपना सपोर्ट बढ़ा सकते हो, इस चैनल से जुड़ सकते हो। और हर कुछ कोई भी ऑनलाइन से अर्निंग से रिलेटेड कुछ भी मैं वर्क करता हूँ तो अपडेट में पहली दफ़ा मैं फेसबुक फैन पेज पर ही अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, आप फेसबुक फैन पेज पर भी मेरे जुड़ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, तो हमने आज आपको शेयर करना है कि कैसे आप अपने खुद का एक जो ब्लॉग है उसमें कॉन्टेंट वगैरह आप अपलोड करते हो किसी अनदर साइट्स में से, ठीक है। तो मैं आज आपको वो करके बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, ठीक है। तो ये एक सिंपल टॉपिक है और इसमें आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, ठीक है। तो एकदम से सिंपल है, तो आप देखना ज़रूर, इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक वॉच कीजिए। तो सबसे पहले हम अपने ब्लॉग को ओपन कर लेते हैं। जब तक हम लोगों ने जो ब्लॉग में काम कर रहे थे उस ब्लॉग को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारी ब्लॉग है और ये फ़िलहाल तो क्रिकेट ऑन पर ही है। तो फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग में कुछ पोस्ट वगैरह करे थे, तो इसका जो एक व्यू ऑप्शन है मैं एक बार देख लेता हूँ। आगे चल के मैं आपको कन्वर्ट करके मैं अपने खुद का जो ब्लॉग है मैं उसमें आपको डिटेल्स में बताऊँगा, ठीक है। तो ये रही वो ब्लॉग, मैं फ़िलहाल तो इसमें कुछ कंटेंट वगैरह अपलोड करूँगा विदाउट कॉपीराइट क्लेम ना आए इसके लिए, ठीक है। तो इमेज भी मैंने अपलोड कर ली, तो इमेज का जो ऑप्शन है तो इमेज तो मेरे ने अपलोड कर लिए थे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, ओके। तो फिलहाल एक पोस्ट में चलते हैं, ये रही वो पोस्ट। तो एक पोस्ट में करते हैं एडिट करते हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो मेरी ये ब्लॉग तो फिलहाल एक क्रिकेट से जुड़ी है, तो मुझे क्रिकेट से जुड़ा कुछ कोई ब्लॉग में से कुछ कॉन्टेंट वगैरह उठाने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, सिंपली आपको मैं आज कुछ चीज़ें मैं आपको साथ शेयर करूंगा। तो ठीक है, मैं इसे थोड़ा नीचे नमा दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना कंटेंट डालूंगा किसी और साइट्स में से उठाकर। तो मैं गूगल, सॉरी दोस्तों, तो मैं गूगल में जाके गूगल में सर्च करता हूँ क्रिकेट के साइट्स के बारे में। क्रिकेट, सो क्रिकेट के बारे में मैंने अपलोड, तो मैंने क्रिकेट टॉप्स, क्रिकेट स्टोरीज, सिंपली मैं क्रिकेट स्टोरीज के बारे में उठा लेता हूँ, ठीक है। लाइव क्रिकेट स्कोर, तो लाइव क्रिकेट स्कोर, फुल क्रिकेट स्कोर, क्रिकेट हर एक कोई जो भी है वो क्रिकेट स्कोर ही है, ठीक है। तो मुझे कुछ स्टोरीज वगैरह उठाना है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ लिख देता हूँ कि स्टोरीज वगैरह उठाना है। तो स्टोरी, ठीक है, तो क्रिकेट स्टोरी मैं उठा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से कुछ तो मैं यहाँ पर एक क्रिकेट का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर आके कुछ इस साइट्स को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से कंटेंट वगैरह उठाऊँगा। तो ये मेरा टेक्स्ट है जो मैं उठाना चाहता हूँ, तो मैं इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। तो मैं सिंपली इतना ही टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, आपको कॉपी करना है तो आप इतना ही कीजिए। उसके बाद इस यहाँ पर से इतना कीजिए, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन हाँ दोस्तों,
आप कॉपी सिंपली आप कॉपी करें और टेक्स्ट को डाल दें, इतने में से नहीं होगा, आपको कुछ देखना भी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसे इतना कॉपी कर लेता हूँ, फिलहाल मैं कॉपी कर लेती हूँ इसे, ठीक है। तो उसके बाद मुझे, मैं इस साइट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके साइट में विजिट कर सकते हो और ये साइट्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उससे पहले तो अब मैं इसके बाद इसे पेस्ट कर देता हूँ मैं वो वाला टेक्स्ट, और देख लेते हैं ये साइट्स में आपको वो, ये जो टेक्स्ट मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो इसका जो कंटेंट है वो कितना कॉपीराइट क्लेम कितना आ सकता है। तो मैं इसे एक बार चेक कर लेता हूँ, बैक कैप्चा आपको फिलअप करना, उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपको नीचे शो करेगा है। तो देखिए दोस्तों, 100% ये आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा, ठीक है। तो मैं ये जो कंटेंट है मैं इसे अपने ब्लॉग पे नहीं अपलोड कर सकता, क्योंकि इससे जब भी मैं अपलोड करूँगा तो मेरा जो जो ब्लॉग है वो कॉपीराइट क्लेम दिखाएगा, कॉपीराइट क्लेम शो करेगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको दिखाना था कि कॉपीराइट क्लेम कैसे ना आए, तो मुझे क्या करना है, यही वाला टेक्स्ट तो फिलहाल तो मैंने कॉपी करके रखा है। तो मैं मुझे अब क्या करना है कि मुझे यूट्यूब सॉरी गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लेना है। तो मुझे गूगल ट्रांसलेटर ओपन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर आना है, तो मैं ट्रांसलेटर को ओपन कर लेता हूँ और इसे मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ क्योंकि मेरा एक वीडियो अपलोड हो रहा है, इसके वजह से ये सॉरी। तो मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ इसीलिए ये थोड़ा स्लो हो रहा है। तो मैं वही कंटेंट मैं यहाँ पे दोबारा पेस्ट करूँगा, उसके बाद इसका जो कन्वर्ट है तो मैं इसे हिंदी में रखूँगा, ठीक है। तो हिंदी में वो ये कन्वर्ट हो चुका है तो मुझे इसे कॉपी कर लेना है। तो दोबारा मैं जाके इसे इस ये जो टेक्स्ट है मैं इसे डिलीट करके वही हिंदी वाला ऑप्शन जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किए थे वो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो पेस्ट करने के बाद आपको, तो इसे पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, कि आपने जो इसे पेस्ट कर लिया उसके बाद ये जो आपका जो यहाँ पर आपका जो ये हिंदी पे शो कर रहा है इसे आप इंग्लिश कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपका जो हिंदी वाला टेक्स्ट है वो कुछ इधर उधर हो जाता है, आपका जो टेक्स्ट वगैरह है, आपका जो ग्रामेटिकल जो प्रॉब्लम है वो भी हट जाता है। मेरे मेरे क्रोम ब्राउज़र में ग्रामेटिकल का जो एक गूगल जो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है जो जिसका भी ग्रामेटिकल जो आपका जो आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो उसका भी एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, नहीं या फिर आपको देख लीजिए ग्रामेटिकल, आपको सिंपली आपको यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका भी कोई भी कुछ ग्रामेटिकल आपका जो टेक्स्ट यहाँ पर दिखा शो कर रहा है इसमें अगर कुछ भी गलत हो तो वो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम आपको शो करेगा, उसके नीचे एक एरो एरो क्लिक एरो दिखाई देगा, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को फिलहाल तो मैं इस साइट पे ले जाकर पेस्ट कर लेता हूँ एक बार फिर से, कि ये मैंने जो टेक्स्ट कन्वर्ट किया है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से फिर से हिंदी, तो मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ एक बार फिर से, उसी टेक्स्ट को कुछ अलग करने के बाद। तो मैं इसे चेक करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे, ये भी बहुत अच्छे हैं, देखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये 100% एकदम से यूनिक है। तो आप इस तरह से अब अपने टेक्स्ट को भी एक यूनिक बना सकते हो, ठीक है। तो ये रही टेक्स्ट का ऑप्शन है, ये इस साइट का लिंक, ये एक फ्री वाला ऑप्शन है और एक पेड वाला ऑप्शन भी है जो आपको एकदम से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आप किसी भी टेक्स्ट को उठाकर या उस साइट पर आपको डालना है। और इससे क्या होता है कि उसका एक सॉफ्टवेयर आता है जो उसका भी आपको अगर खरीदना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी मैं है उसका भी जा आगे चल के मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके भी लिंक आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो आपको खरीदने हैं तो आप उसे खरीद के भी अपना आप अपने ब्लॉग को मेंटेन कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे कंटेंट वगैरह अगर आपके पास समय टाइम वेस्ट ज़्यादा कुछ भी ना हो, ठीक है, आप कुछ भी करना नहीं चाहते हो तो ये सब करना होती है। लेकिन हाँ, एक ब्लॉग को बनाने के लिए तो महीने 2 महीना तो लग ही जाता है आपका खुद का कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो आप खुद का कंटेंट भी बना सकते हो, इसी तरह से आप बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इतने सारे ब्लॉग है,
एक ही टाइप से रिलेटेड, मैं अगर मनी ऑनलाइन से रिलेटेड भी एक ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ब्लॉग आपको लाखों मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो कंटेंट आपको ज़रूर एक ही मिलेगा कि किस टॉपिक के बारे में वो लिख रहा है वो बंदा के। और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड तो कंटेंट तो आपको मैं बता दूँ कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड तो फिर अपलोड किए हुए कुछ ब्लॉग तो है, और मेथड्स तो वही है दोस्तों। हाँ, कुछ साइट्स में अगर आप काम कर रहे हो उस साइट्स के बारे में आपको जो डिटेल्स वगैरह बता रहे हो वो कुछ अलग होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसे आपको देखना है, जाँचना है, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा, ठीक है। तो तब ही आप तो कोई ब्लॉग नहीं बना सकते। तो दोस्तों, ये वाला जो कंटेंट है मैंने यहाँ पर चेक कर लिए, तो ये तो कॉपी किया हुआ है फिलहाल। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में मैं आपके पहले ये पर दिखा रहा था, ठीक है। जो ये आपको एक इसे क्या कहते हैं, तो मैं आपको आगे चल के इसके बारे में बताऊँगा। तो फिलहाल तो इसे आप देख लीजिए एक दफ़ा। तो ये ग्रामाटिकल आपको फ्री में आपको एक आप गूगल एड्स यहाँ पर आपको गूगल से यहाँ पर अटैच कर लीजिए, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को मैं आप ब्लॉग में पेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं अपने ब्लॉग में पेस्ट कर रहा हूँ इस टेक्स्ट को फिलहाल। इसे एक बार लोड, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि मुझे एक इस तरह एक वीडियो अपलोड हो रहा है, ये रही वीडियो अपलोड हो रहा है, इसलिए ये नेट स्लो चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको शेयर करना है कि देखिए दोस्तों, मैंने एक टेक्स्ट को अब मैं यहाँ पर अगर आप अपलोड भी कर सकते हो, मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो ठीक है। तो दोस्तों, मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो आप ये एकदम से ये अपना खुद का कंटेंट है। तो आप इसे ऐसे तरीके से आप अपने कंटेंट वगैरह डाल सकते हो किसी अनदर साइट से, ठीक है। तो ये है फंडा कंटेंट आपको डालने का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे चल के मैं आपको एक और एक वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आपको इमेज कॉपीराइट विदाउट कॉपीराइट क्लेम आए बगैर आप अपने ब्लॉग में इमेज को कैसे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो उसका भी कुछ जेन्युइन मेथड मैं आपको बताऊंगा, फ्री वाला ऑप्शन भी मैं बताऊंगा, अगर आप पेड ऑप्शन भी चाहते हो तो उसके बारे में भी मैं आपको शेयर करूंगा आगे चल के। उसके बारे में भी आप कमेंट पे लिखिए ज़रूर, आप अगर आपको कुछ भी परेशानियाँ हो तो मुझे कॉमेंट ज़रूर कीजिए। किसी चीज़ के बारे में अगर आपको पूछना है तो मेरे फेसबुक फैन पेज है, आप उस पर जाकर मुझसे जुड़ सकते हो, मेरे को SMS वगैरह कुछ भी करके आप मुझसे कुछ भी कोई भी क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस वीडियो से, और मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, ठीक है। तो फुल्ली इस ब्लॉग ट्यूटोरियल को वॉच कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। आगे चल के और भी ऐसे ऑनलाइन से मेथड्स हैं जिसके बारे में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, और आप भी इससे बहुत अच्छे कैसे पैसे बना सकते हो। ब्लॉग ट्यूटोरियल इसलिए मैंने बनाया क्योंकि ब्लॉग में से आप बहुत अच्छे कैसे और एक प्रोफेशनल भी आप बहुत अच्छे कैसे पैसे बना सकते हो। तो इसलिए मैंने इस ट्यूटोरियल को आपके साथ पेश किया और एकदम से फुल्ली डिटेल्स में मैंने आपके पास शो करवाया। इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो अपने ब्लॉग को। अगले मैं वर्डप्रेस में बनाऊँगा खुद का एक वेबसाइट, तो उसे भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। मैं बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनाना होता है, और मैं अपना खुद का ब्लॉग बनाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, चलते हैं, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।